यहाँ जितने खड़े लोग हैं, यहाँ जितने खड़े हमारे समाजवादी साथी हैं, अब मुझे आप में से नहीं पता कि आप में खेती है कि नहीं खेती है, लेकिन जितने समाजवादी साथी खड़े हैं सब खेती करते हैं, उनके घर वाले खेती करते हैं। अगर कोई न खेती करता हो तो हाथ ना उठाए, वो खेती करने वाले हाथ उठा लो। सब खेती करने वाले अपनी बात रखी थी और उन्होंने आखिरी में कृषि मंत्री जी से ये कहा कि ये सदन से जो कानून पास हो रहे हैं ये डेथ वारंट हैं किसान के लिए और वो तमाम चीज रिकॉर्ड पर है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ये कहा उनकी आय दोगुनी कर देंगे। यही आगरा में आसपास जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों के बीच में गए उन्होंने कहा आय दोगुनी कर देंगे। हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों से जानना चाहते हैं कि आय दोगुनी वाली MSP कब देंगे, और अगर किसान MSP मांग रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है आय दोगुनी वाली MSP दे दें। अखिलेश जी, केशव प्रसाद मौर्य आगरा में आए थे, उनका कहना था कि अखिलेश और राहुल गांधी को बड़ा काम भी करते हैं, दूध का कारोबार भी ये गांव करता है। नहीं बताएंगे मायावती जी, ये कह रही है केशव प्रसाद मौर्य ले जाएंगे, इमरान करता रही, खुशी है आगरा में बहुत काम किया। यही इनर रिंग रोड जो सबसे बड़ी जरूरत थी आगरा की, टूरिज्म लोगों के लिए, ट्रैफिक जाम ना लगे, परेशानी में लोग ना रहें, पूरा इनर रिंग रोड दी। आज इनर रिंग रोड जितनी समाजवादी सरकार में बनी ये सरकार 4 साल में पूरी नहीं कर पाई। वही कैफे, पता नहीं कैफे का क्या करेंगे, और ये मेट्रो जो जिसकी शिलान्यास हुआ है, बताओ समाजवादियों आपकी सरकार की मेट्रो दी गई है कि नहीं दी गई है? सरकार ये सब जानते हैं लेकिन पत्रकार जानते हैं दबाव इनके ऊपर है, ये सच नहीं बोल सकते। इसी तरह आगरा का सबसे शानदार म्यूजियम बन रहा था, आगरा का म्यूजियम मुगल म्यूजियम के नाम से बनाया जा रहा था समाजवादी सरकार में। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मुगल म्यूजियम गंगा जमुनी तहजीब का एक म्यूजियम बनेगा। नाम बदलने से सरकार ने नाम बदल दिया, अब उनका नाम हम भी बदल देते हैं। गंगा जमुनी तहजीब का म्यूजियम होगा जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से बना रहे हैं, वहीं हम उनकी माँ जीजाबाई जी का भी प्रतिमा लगाएंगे। यहाँ हमारे व्यापारी साथी उनके महाराज अग्रसेन के लिए मांग रहे हैं, यही तो मांग है। वो किसके लिए मांग है? उनको भी शामिल किया जाएगा, और भगत सिंह की भी याद आगरा दिलाता है और भगत सिंह की भी प्रतिमा रहेगी। इसलिए नाम बदलने से कुछ नहीं होता, ये संग्रहालय गंगा जमुनी तहजीब का संग्रहालय बनेगा। मुझे नहीं पता कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है। गतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर के क्या भूमिका रहेगी? पार्टी नहीं निकली और इसका एक कारण था कि समाजवादी चुनावों में आप स्वयं नहीं निकले प्रचार के लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुख्य चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। हिंदू जी, गतिशील समाजवादी पार्टी के साथ क्या चुनावी रणनीति रहेगी, क्या कहेंगे? एक सीट का और कैबिनेट मंत्री का जो आपने प्रस्ताव दिया है वो मजाक है। समाजवादी पार्टी कौन है भाई?